हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रामलोबन। सो सी प्लस प्लस की स्टेप बाय स्टेप लर्निंग की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इफ, इफ एल्स, एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ। सो आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करने वाले हैं, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो एजेंडा ऑफ टूडे सेशन, वी टॉक अबाउट व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, एग्जाम्पल ऑफ स्विच, क्रिएट बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग स्विच। सो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि द स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज यूज टू एग्जीक्यूट द कोड फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस और केसेस। इट इज सेम लाइक एज एल्स इफ स्टेटमेंट। सो अ स्विच स्टेटमेंट वर्क विथ बाइट, सॉर्ट, कैरेट एंड इंटर डेटा टाइप। मतलब स्विच में जो आप वेरिएबल पास करते हैं उसमें आप क्या पास नहीं कर सकते, फ्लोट या डबल। अ स्विच स्टेटमेंट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ईच वैल्यूज इज कॉल्ड अ केस एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन इज चेंज्ड फॉर ईच स्विच केसेस। A switch statement is a type of selection control mechanism used to allow the value of a variable or expression to change the control flow of program execution via search and map. So this is the syntax. And syntax की अगर हम बात करें तो expression में मैंने जो लिखा है वहां पर आप variable का नाम use कर सकते हैं, आप constant use कर सकते हैं, आप कोई expression use कर सकते हैं, आप किसी function को भी call कर सकते हो, बट जो भी यूज कर रहे हैं वो फ्लोट या डबल टाइप का नहीं होना चाहिए, राइट। केस कॉन्स्टेंट, यहाँ पर केस के बाद जो मैंने कॉन्स्टेंट लिखा है, इस प्लेस पर आप वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर सकते। देन उसके बाद आप वो स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको आपको एग्जीक्यूट करवाना हो। केस आपका इफ की तरह वर्क करता है कि अगर मैच हुआ तो ही एग्जीक्यूट होगा, अगर मैच नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन लास्ट में आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट एल्स की तरह वर्क करता है कि मान लीजिए आपने जो लिखा है उसके पहले अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तो फिर आपका डिफॉल्ट क्या करेगा, वर्क, राइट। सो वैलिड और इनवैलिड केसेस दिए हैं कि कौन सा वैलिड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केस में आप वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर सकते, स्विच में आप जो फ्लोट या डबल टाइप का वेरिएबल और कॉन्स्टेंट ये भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। सो लेट सी द एग्जांपल। राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू चेक अ गिवन कैरेक्टर इज वोवेल और नॉट। आपको यूजर से कैरेक्टर इनपुट लेना है और चेक करवाना है कि यूजर ने जो कैरेक्टर इंटर किया है वो वोवेल है या फिर नहीं है। सो लेट सी द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो एग्जाम्पल हम किसका देखेंगे, स्विच स्टेटमेंट का। आपको यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लेना है और चेक करवाना है कि यूजर ने जो कैरेक्टर इंटर किया है वो वोवेल है या नहीं। अब आपको पता है कि वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू ई, ठीक। सो यहाँ पर आप जो है हेडर फाइल यूज करेंगे कौन सी, आईओ स्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और आप यहाँ पर लिखेंगे मैन। सो हियर मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन दैट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड, देन लास्ट वी राइट रिटर्न जीरो। सो आपने यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया सी एच, राइट। यूजर से इनपुट लेंगे तो आप मैसेज दे देंगे कि सर इंटर एनी कैरेक्टर, देन सीन, और यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम जिसमें आप वैल्यू स्टोर करने वाले। अब आप यहाँ पर लगाएंगे स्विच, राइट, और वेरिएबल का नाम, मैंने बोला कि यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हैं बट वो वेरिएबल किस टाइप का नहीं होना चाहिए, फ्लोट या डबल, राइट। सो हियर ये जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का, दैट्स फाइन। सो कंडीशन के लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं कैस, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट ही आ सकता है, तो आपने क्या लिखा, कैस ए। अब आपने जो कैरेक्टर इंटर किया अगर वो इस ए से मैच हो जाता है तो आप क्या मैसेज दे देंगे कि सर इट इज वोवेल, देन ब्रेक के थ्रू आप स्विच से बाहर आ जाएंगे। अब जितने जितने कंडीशन देना है आप उतने केस लगा देंगे। केस आई डुप्लीकेट केस आर नॉट अलाउड, यहाँ पर आप डुप्लीकेट केस नहीं दे सकते, ये आपको ध्यान रखना। सी आउट, देन इट इज वोवेल, ब्रेक,
अब आपने जो कैरेक्टर एंटर किया सो इट इज वोवेल, देन ब्रेक, वापिस आप क्या लगा देंगे केस ई कॉलन ई आउट इस वॉवल राइट। अगर ये से मैच हुआ तो इसको क्या क्या कर देना है, लास्ट में क्या बचा यू, केस सिंगल कोर्स में आपने लिख दिया यू और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि सर सी आउट इट इज वॉवल। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसा कोई कैरेक्टर इंटर किया जो इसमें किसी से मैच ही ना हो, तो आप क्या लिख देंगे डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में आ जाएगा आपका सी आउट कि सर इट इज नॉट अ वॉवल। सो ये हमने एग्जांपल देखा, सेव कर लीजिएगा इसको। आपने यूजर से इनपुट लिया, यहाँ पर स्विच में वेरिएबल पास किया और वन बाय वन सबसे आपने क्या करवा लिया चेक। अब इन पांचों में से अगर ये किसी से भी मैच करता है तो क्या आएगा इट इज वॉवल, नहीं मैच किया तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब इनमें से कोई भी एक भी केस आपका मैच नहीं होगा। मान लीजिए आपने इंटर किया आई इट इज वॉवल एंड आपने इंटर कर दिया जेड इट इज नॉट अ वॉवल क्योंकि जेड आपका किसी से भी मैच नहीं हुआ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्विच इज वर्क। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है कि सर क्रिएट बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग स्विच। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कि स्विच का यूज करके आप बेसिक कैलकुलेटर का यूज कैसे, बेसिक कैलकुलेटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप इस एग्जाम्पल को करके देखिएगा। सो आई होप आपने ये एग्जाम्पल कर लिया होगा। अब हम देखेंगे कि सर हाउ टू क्रिएट बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग स्विच। सो बेसिक कैलकुलेटर में पहले आप हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे कौन सी आईओ स्ट्रीम, देन उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंक्रीमेंट। तो आप पहले यूजर को चॉइस दे दीजिएगा। तो आपने यहाँ पर चॉइस के लिए कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया और दो नंबर जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करवाना है। सो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए आपने स्लैश एन फॉर द न्यू लाइन यहाँ पर आपने लगा दी स्लैश। अब आप यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे, पहले आप यूजर को ऑप्शन देंगे लाइक सी आउट सर एंड एल फॉर द न्यू लाइन। सी प्लस प्लस में आप एंड एल भी प्रेस प्लस फॉर एडिशन के बाद प्रेस माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन प्रेस इनटू फॉर मल्टीप्लिकेशन प्रेस डिवाइड फॉर डिवीजन राइट। अब आप जो इंटर करेंगे पहले आपने चॉइस इनपुट ले ली और वेरिएबल का नाम आपने क्या लिया है चॉइस। अब चॉइस इनपुट लेने के बाद आप यूजर से दो नंबर भी क्या लेंगे इनपुट। तो आपने यहाँ लिख दिया किसा सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर then seen n1 see out enter second number seen
अब आप यहां पर लगाएंगे स्विच, राइट। लास्ट में रिटर्न 0 भी लिख दीजिएगा। स्विच वेरिएबल का नाम क्या है? चॉइस। अब अगर आपने चॉइस में क्या एंटर किया होगा? प्लस, तो आपने क्या लिखा? केस प्लस सी आउट, और उस केस में आप प्रिंट करवा देंगे कि सर लेस है, एडिशन और प्लस वॉट n1 प्लस n2, और यहाँ पर लगा दिया प्रिंट ऐसे यार। और अब मल्टीपल में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना, और पहले ही हो गया तो आप ब्रेक के थ्रू स्विच से बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही केस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन, और n1 माइनस n2, उसके बाद डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन, और n1 इंटू n2, और यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? डिवीजन। और क्या आ जाएगा? और इसके अलावा अगर आप कुछ भी इंटर करोगे तो लास्ट में क्या लिख दोगे? डिफॉल्ट सी आउट इनवैलिड। ऊपर भी आप लगा दीजिए स्लैश। ठीक, तो इस तरीके से स्विच का के थ्रू आप बेसिक कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, ये आपने चॉइस के लिए वेरिएबल, दो नंबर यूजर को ऑप्शन दिए, अब यूजर इसमें से जो भी प्रेस करेगा वो कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करवा के, दो नंबर इंटर लिया, इनपुट लिया, और उसके बाद यूजर ने जो चॉइस एंटर की होगी उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट क्या कर देगा? डिस्प्ले। इसको देख लीजिएगा, ये आपका स्विच। सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ठीक, आपने इंटर किया प्लस, फिर इंटर फर्स्ट नंबर 12, इंटर सेकंड नंबर 13, तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? एडिशन 25। ठीक, मान लीजिए आपने इंटर किया माइनस 45 और 6, सब्ट्रैक्शन, तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आपने इंटर कर दिया, मान लीजिए मोड, आप इसके लिए कुछ दिए हैं तो क्या? इनवैलिड ऑपरेटर्स। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्विच किस तरीके से आपका वर्क करता है।